पेगासस रिपोर्ट्स में पेगासस टारगेट सामने आने के बाद ये भी साफ हो गया है कि आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सिर्फ प्रशांत किशोर नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इनकी लिस्ट में थे और अभिषेक बनर्जी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी इनका पोटेंशियल टारगेट थे। तो अभिषेक बनर्जी ने जब उनको जब पता चला, ऑब्वियसली बात है कि जो भी टारगेट था उस सबको पता चल चुका है कल ही कि वो लोग टारगेट थे, तो अभिषेक बनर्जी ने चुटकी ली और किस तरह से अमित शाह का मजाक उड़ाया है, अमित शाह की खिल्ली उड़ाई है। अमित शाह जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, चाणक्य नीति कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पहले फेज के चुनाव के बाद ही बोल रहे थे कि हम तो सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं, 30 में से 26 सीटें तो हमारी होनी है या फिर 30 में से 30 सीट हमारी होनी है, इस तरह के बहुत बड़े बड़े वादे दावे आप लोगों के सामने कर रहे थे। असलियत क्या है वो आप सबको पता है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने खिल्ली किस तरह से उड़ाई है, उन्होंने लिखा है ट्विटर पे, 2 मिनट का मौन देना चाहिए इन लूजर्स को, 2 मिनट का मौन प्लीज इन सभी के लिए, क्योंकि ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब कुछ होने के बावजूद, साथ ही वो जो अब पता चल रहा है बीजेपी का पैसा, उसकी ताकत और साथ ही पेगासस की स्पाइंग तक इन्होंने करा ली, लेकिन मिस्टर अमित शाह जो हैं वो बंगाल चुनाव जिता नहीं पाए, अपनी पार्टी को 100 भी पार नहीं कर पाए थे, आपको पता ही है। और आगे उन्होंने एक चुनौती दी है और इस चुनौती में एक बड़ी खबर भी है जो मैं लगातार पिछली बार भी इनके ट्वीट से और जिस तरह की बात बोल रहे हैं उससे साफ कर रही हूँ। कह रहे हैं प्लीज कम प्रिपेयर्ड विद बेटर रिसोर्सेज इन 2024। कह रहे हैं अगली बार जब आप 2024 में आएंगे तो बेहतर संसाधनों के साथ तैयारी करके आए। 2024 का जिक्र लगातार टीएमसी की तरफ से, लगातार ममता बनर्जी की तरफ से, लगातार अभिषेक बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के दौरान से इस्तेमाल हो रहा है। याद होगा आपको ममता बनर्जी ने कहा था कि एक टांग पर पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतूंगी और दूसरी टांग पर दिल्ली जीतूंगी, याद होगा आपको। 2024 की चुनौती अब अभिषेक बनर्जी, सीधा सीधा ये खबर आने के बाद अमित शाह को वो सीधा चुनौती दे रहे हैं और खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं उनका कि भैया इतना कुछ आपके पास था, मतलब इतना कुछ अगर किसी के पास हो तो वो क्या क्या ना जीत ले। आपके पास ईडी थी, सीबीआई, एनआईए, आईटी का इस्तेमाल आप करते हैं, रेड करा देते हैं, ईसीआई का इस्तेमाल आप कर लेते हैं, खूब सारा पैसा आपके पास है, खूब ताकत आपके पास है, सबसे ताकतवर तो आप ही हैं। उसके बाद तो आज हमें पता चल रहा है कि आप तो पेगासस से हम लोगों को स्नूप भी कर रहे थे, हमारी सारी बातचीत सुन रहे थे, हमारी इतनी स्ट्रेटजी सुनने के बावजूद आप पश्चिम बंगाल को बचा नहीं पाए या फिर पश्चिम बंगाल को जीत नहीं पाए। ये अभी तक तो पहुंच गया होगा मैसेज अमित शाह तक, आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी था कि आखिर देखिए किन किन चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, साम दाम दंड भेद से ज्यादा ही इस्तेमाल हो रहा है शायद। ये है चाणक्य नीति। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप पर वायरल कर दीजिए, क्योंकि जब व्हाट्सएप पर जाता है तो सरकार सुन रही होती है और देख रही होती है। सत्यमेव जयते।